أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك رواه ابن ماجه अल्लाह तबारक व तआला की अपने बंदों पे बेशुमार नेमतें हैं। और जब बंदा अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं करता, उनका शुक्र अदा नहीं करता, तो फिर अल्लाह ये नेमतें वापस भी ले लेते हैं। अल्लाह फरमाते हैं लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं ज़रूर तुम्हें और दूंगा, मज़ीद दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरी पकड़, मेरा आज़ाब, मेरी गिरफ्त वो भी बड़ी सख्त है। इंसान को अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने के साथ साथ इस बात की फ़िक्र भी होनी चाहिए कि जो नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दी हैं कहीं वो मुझसे छिन ना जाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से जो दुआएं किया करते थे उनमें से एक दुआ ये भी थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाल निअमतिका व तहव्वुल आफियतिका व फुजाअत निकमतिका व जमीई सखतिक, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तेरी नेमत ज़ायल हो जाए, मुझसे हट जाए, मैं तेरी नेमत से महरूम कर दिया जाऊँ। अल्लाह जो आफ़ियत सेहत तंदुरुस्ती तूने मुझे अता की है, ये बीमारी और तकलीफ़ में बदल जाए इससे भी अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, और तेरी अचानक पकड़ से, तेरे इंतकाम से भी अल्लाह पनाह चाहता हूँ। वह जमीई सखातिक, तेरी हर किस्म की नाराज़गी से, तेरे हर किस्म के गुस्से से अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, मुझे आफ़ियत में रखना, मुझे अपनी पनाह में रखना। तो यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बात की दुआ मांग रहे हैं अल्लाह से कि अल्लाह जो नेमतें मुझे दी हैं वो मुझसे वापस ना लेना, कहीं वो ज़ायल ना हो जाए, कहीं तेरी नेमतों का साया मुझ पर से उठ ना जाए। तो अल्लाह ताला की नेमतों में से बंदा मोमिन पर सबसे बड़ी नेमत
ईमान की, अकीदे तौहीद की, दीन की और इस्लाम की नेमत है। इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। और इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अक्सर अल्लाह तबारक व तआला से इसी दीन की नेमत के सबात का सवाल किया करते थे। अल्लाह फरमाते हैं, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना। ये दुआ हमें अल्लाह ने भी सिखाई है, ए हमारे रब, तू हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर देना, इनमें कजी ना पैदा कर देना। बाद इज़ हदैतना, इसके बाद कि तूने हमें हिदायत अता कर दी है, हमें रास्ता दिखा दिया है, हमें हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा दी है, अब हमसे ये तौफीक छीन न लेना, कहीं हम टेढ़े मेढ़े ना हो जाएं, इधर उधर ना चल पड़ें। वहब लना मिन लदुनक रहमा, और हमें अपने पास से अपनी ख़ास रहमत अता फरमा। इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू ही बेहद बहुत ज़्यादा अता करने वाला है, तेरे अलावा कोई रहमतें अता नहीं कर सकता, तेरे अलावा कोई हिदायत की तौफीक देने पे कादर नहीं है, तूने ही हमें ये नेमत अता की है, सिरात मुस्तकीम पर तूने ही हमें चलाया है, चलने की तौफीक अता फरमाई है, अल्लाह अब हमें टेढ़ा ना कर देना, हमारे दिल टेढ़े ना हो जाएं, क्योंकि मामला सारा दिल से ही शुरू होता है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलों की इस्लाह पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है। फरमाया, इन फिल जसद मुज़गा इज़ा सलाहत सलाहल जसद कुल्लू व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लू अला वहियल क़ल्ब। ये जो इंसान के जिस्म में गोश्त का टुकड़ा है, जब ये दुरुस्त होता है तो सारा जिस्म ठीक होता है, और जब ये ख़राब हो जाता है तो सारा जिस्म ख़राब हो जाता है। ये गोश्त की बोटी, ये टुकड़ा क्या है? ये इंसान का दिल है। इन अल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अजसादिकुम वलाकी यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। सही मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह ने तुम्हारी शक्लें सूरतें नहीं देखनी, अल्लाह ने तुम्हारे जुस्से तुम्हारे जिस्म तुम्हारे ओहदे तुम्हारे स्टेटस नहीं देखने, अल्लाह ने क्या देखना है? इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिल देखने हैं। ये ओहदे, ये मनसब, ये स्टेटस, ये काम नहीं आएंगे। यौम ला यन्फ़ु मालू वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम। उस दिन ना माल काम आएगा ना बेटे काम आएंगे। इंसान को दुनिया में इन्हीं दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा घमंड भी होता है और सहारा भी होता है। मेरे पास पैसा बड़ा है जी, मेरी औलाद, मेरे बेटे, मेरे बाजू, मेरा सहारा। अल्लाह फरमा रहे हैं, ला यन्फ़ु माल, ना माल काम आएगा, वाला बनून, ना बेटे काम आएंगे। इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, क्या काम आएगा? जो अल्लाह के पास कल्ब सलीम, तंदुरुस्त, सेहतमंद, अकीदे तौहीद से मामूर, अल्लाह की याद से मामूर, नेकी पे चलने वाला, बुराई से नफरत करने वाला दिल लेके आएगा, हसद कीने बुग़्ज़ से पाक और साफ दिल लेके आएगा, ये दिल उसे फ़ायदा देगा, ये उसके काम आएगा। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने, कुरान कोई मेडिकल साइंस की किताब नहीं है वैसे, ये हिदायत की किताब है। हुदल लिल आलमीन, हुदल लिल मुत्तकीन,
तो कुरान करीम में अल्लाह तबारक तआला ने दिलों को जो बीमारियां लाहिक होती हैं उनका तस्करा किया। ज़रा उन पर गौर करें, एक बीमारी है रान, रईन भी कहते हैं उसको, जंग की बीमारी। सुनन तिर्मिज़ी में हदीस आती है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल अब्द इज़ा अज़नब ज़म्बन नुकितत अला क़ल्बिही नुक्तातुन सौदा। जब इंसान बंदा कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है। फ़इन ताबा व नज़ा वस्तग़फ़रा सुक़िल, अगर तौबा कर ले, अल्लाह से बख्शिश मांग ले, गुनाह छोड़ दे, वो सुक़िल, दिल दोबारा साफ हो जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है। व इन ज़्यादा ज़्यादत, लेकिन माफ़ी ना मांगे, बख्शिश का तलबगार ना हो, उस गुनाह को ना छोड़े, वो नुक्ता बढ़ना शुरू हो जाता है, बढ़ते बढ़ते, हत्ता तालू कल्बा, वो सारे दिल को अपनी लपेट में ले लेता है और दिल को तारीक कर देता है। ये बीमारी का आगाज़ हो रहा है जी, दिल के ऊपर तारीकी का एक पर्दा चढ़ जाता है। फ़ज़ालिकर रान, ये पहली स्टेज है, जंग लग जाता है। फरमाया यही वो जंग है, अल्लज़ी ज़करहुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला फ़ी किताबी, जिसका तज़करा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने अपनी किताब कुरान मजीद में फरमाया है। कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, हरगिज़ नहीं। ये कुरान ज़िक्र है, मौइज़ा है, नसीहत है, मोमिनों को फ़ायदा देने वाली है। फ़ज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन, इसको सुन के अहले ईमान के ईमान बढ़ जाते हैं। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीन इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। इसमें अल्लाह ने बड़ी तासीर और असर रखा है, तो फिर ये बाज़ दिलों पे असर क्यों नहीं करता कुरान? फरमाया बल रान अला क़ुलूबिहिम, इन दिलों पे जंग चढ़ चुका है। क्यों जंग चढ़ा? मा कानू यक्सिबून, अपनी ही कमाइयों, अपने ही बुरे आमाल की वजह से जंग लग गया। जब स्याही का वो पर्दा, वो जंग बंदे के दिल पे चढ़ जाता है, तो फिर अगला मरहला ज़ैग का आता है, कजरवी आ जाती है, टेढ़ापन बंदे में आना शुरू हो जाता है, बंदा सिरात मुस्तकीम छोड़ के गलत रास्तों का इंतखाब कर लेता है, टेढ़े मेढ़े रास्तों पे चलना शुरू कर देता है। फलम्मा ज़ागू अज़ागल्लाहु क़ुलूबहुम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन, एक जगह अल्लाह फरमाते हैं जब वो टेढ़े हुए तो फिर अल्लाह ने उनके दिल टेढ़े कर दिए, और अल्लाह नाफरमान कौम को हिदायत नहीं देता। जब इंसान नाफरमानियों पे उतर आता है तो फिर हिदायत से महरूमी उसका मुकद्दर बन जाती है, नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं मिलती। हिदायत पाने के लिए, हिदायत पे आने के लिए अल्लाह की नाफरमानी को तर्क करना पड़ेगा। और इसी से बचने की कुरान हमें दुआ सिखा रहा है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा, अल्लाह हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर देना, इसमें कहीं कजी ना आ जाए, इसमें टेढ़ापन ना आ जाए। और ये ज़ैग़ कब आता है? इसके भी कुछ असबाब किताब सुन्नत में बयान हुए हैं। ये तब आता है जब इंसान शुबहात के पीछे चलना शुरू कर देता है। अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ी अनज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताबी व उखरु मुतशाबिहात फअम्मल्लज़ीना फी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फयत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिगाअल फितना। अल्लाह ने आपके ऊपर किताब उतारी,
उसके अंदर आयात हैं, कुछ मुहकमात हैं, कुछ मुतशाबिहात हैं, कुछ का माना मफहूम तफसीर, उनको जानना अमल करना बिल्कुल वाज़े आसान है, मजबूत आयात है, और कुछ मुतशाबिहात हैं, हरूफ़ मुक़त्तआत हैं, गैब की बातें हैं, माजी हाल मुस्तकबिल की ख़बरें हैं। जो कुछ अल्लाह ने बताया कुल्लु मिन इंद रब्बिना, सब कुछ हमारे रब की तरफ से है। हमारा काम ईमान लाना है। लेकिन फअम्मल लज़ीन फी कुलूबिहिम ज़ैग़, जिन लोगों के दिल में कजी होती है, टेढ़ापन होता है, वो क्या करते हैं? फयत्तबिउन मा तशाबह मिन्हु इब्तिगा अल्फितना, वो मुतशाबिहात की पैरवी करते हैं, वो फितने की तलाश में हर वक्त रहते हैं, वो मौका ढूंढते हैं कुरान से कोई ऐसी कोई आयत मिल जाए, रसूलुल्लाह के फरमान से ऐसी कोई हदीस मिल जाए जिस पे हमें कोई ऑब्जेक्ट करने का, एतराज़ करने का मौका हाथ में आ जाए और हम तनकीद करें। शहवात, ख्वाहिशात, ये भी इंसान को टेढ़ा करने में अपना किरदार अदा करती हैं, ये भी दिलों को कजरवी की तरफ मायल करती हैं। और एक जगह अल्लाह फरमाते हैं, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात मिनन निसा वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरा, ये ख्वाहिशात की मोहब्बत इंसान को ये दुनिया की चीज़ों की मोहब्बत की तरफ मायल करती है और फिर इंसान दुनिया की चीज़ों से प्यार करने लगता है, अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम बन जाता है। अफ़राईत मन इत्तख़ज़ा इलाहु हवा, अल्लाह फरमा रहे हैं क्या तूने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया। और एक हदीस में आता है कि इंसान जब ज़ैग का शिकार होता है तो फिर ला यारिफ़ मारूफ़ा वला युनकिरु मुनकरा इल्ला मा उश्रिबा मिन हवा, सही मुस्लिम की हदीस है। उसे ना तो नेकी की पहचान रहती है ना बदी का पता चलता है, उसे बस वही अच्छा मालूम होता है, मा उश्रिबा मिन हवा, जो उसके दिल में ख्वाहिश बिठा दी गई है। इंसान ख्वाहिशात का असीर होकर टेढ़ा हो जाता है। दुनिया की महब्बत भी इंसान को टेढ़ा करने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। अल्लाह फरमाते हैं इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिज़ून, लोगों के हिसाबों किताब का वक्त करीब आता जा रहा है और लोग गफलत के अंदर मुंह फेर के बैठे। इन्नल्लज़ीना ला यरजून लिक़ाअना वरज़ू बिल हयातिद दुनिया वत्मअन्नू बिहा, जो लोग हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते और दुनिया की ज़िंदगी पे खुश हुए बैठे हैं और इसी पे इत्मीनान किए बैठे हैं, उलाइका मावाहुमुन नार, इनका अंजाम, इनका ठिकाना जहन्नम की आग है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस ख़तरे से उम्मत को आगाह फरमाया था। सही बुखारी की हदीस है, फवल्लाहि मल फ़क्रु अख्शा अलैकुम, अल्लाह की कसम ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मुझे इस बात का डर नहीं कि मेरे बाद तुम पर फ़क्र तंगदस्ती आ जाएगी, मैं इस बात से नहीं डरता। फवल्लाहि मल फ़क्रु अख्शा वलाकिन अख्शा, मुझे डर किस बात का है? अन तुबसतत दुनिया अलैकुम कमा बुसतत अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, दुनिया तुम पर खोल दी जाएगी, कुशादा हो जाएगी जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर खोल दी गई। फतनाफसुहा कमा तनाफसुहा, तुम भी दुनिया के अंदर ऐसे ही मुकाबलाबाजियां शुरू कर दोगे जैसे तुमसे पहले लोगों ने की। फतुहलिककुम कमा अहलकत हम, फिर ये दुनिया तुम्हें ऐसे हलाक करेगी जैसे इस दुनिया ने तुमसे पहले लोगों को हलाक किया।
तो रसूलुल्लाह किस चीज़ से डर रहे हैं? सही बुखारी की इस हदीस में, और हम मुझे ये डर नहीं है कि तुम मेरे बात मोहताज हो जाओगे, फ़कीर हो जाओगे, मुआशियात तुम्हारी कमज़ोर हो जाएगी, ये डर नहीं है मुझे। डर इसके उल्ट का है कि दुनिया की नेमतें तुम्हारे सामने आ जाएंगी और बहुत ज़्यादा आएंगी, और फिर क्या होगा, ख्वाहिशात के असीर हो जाओगे। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, वहन की बीमारी के असीर हो जाओगे, वहन की बीमारी का शिकार हो जाओगे। दीन पे चलना मुश्किल बना दिया जाएगा। यति अलन नास ज़मानुन अलकाबिज़ु फ़ीहिम अला दीनिही कलकाबिज़ अलल जमर। सुनन तिर्मिज़ी की रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि जो दीन के ऊपर खड़ा होगा, जिसने दीन को थामा हुआ होगा, पकड़ा हुआ होगा, उसकी कैफियत और उसका हाल ऐसे होगा जैसे उसने अपने हाथ में अंगारे पकड़े हुए हैं। कल काबिज़ अलल जमर, हर तरफ से इस्लाम पर, दीन पर, मुसलमानों पर इल्हाद के, लिबरलिज्म के, सेकुलरिज्म के, बिदात के, फितनों के ताबड़तोड़ हमले होंगे। इस्लाम अजनबी होता चला जाएगा। इन्नल इस्लाम बदा गरीबन वसयऊद गरीबा फतूबा लिल गुरबा, रवाहु मुस्लिम। इस्लाम जब शुरू हुआ उस वक़्त भी अजनबी था, और एक वक्त आएगा यह फिर अजनबी हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही अजनबियों के लिए फरमाया तूबा, इनके लिए खुशखबरी है, इनके लिए बशारत है, जो इन हालात के अंदर भी अल्लाह के दीन के ऊपर खड़े होंगे और अल्लाह से ये दुआएं कर रहे होंगे, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा। तो दुनिया की मोहब्बत भी इंसान को राह रास्त से बहुत ज़्यादा भटका देती है। चौथी चीज़ है मोहतरम भाइयों, सुन्नत की मुखालफत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ तरीका, आपकी सुन्नत, इसको जब हम छोड़ते हैं लोगों के कहने पे, इसको जब हम छोड़ते हैं रोशन ख्याल बनने के लिए, इसको जब हम अपने कदमों के तले रौंदते हैं दुनिया का साथ देने के लिए कि भाई दुनिया आगे निकल गई है, लोग क्या कहेंगे, ये कौन सी सदी में जी रहा है, इसके कैसे ख्यालात हैं, इन चीज़ों के पीछे लगकर हम क्या करते हैं, अपने नबी का तरीका जिसके बारे में आपने फरमाया था, खैरुल हदी हदियु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतरीन तरीका किसका है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, जिसके बारे में आपने खबरदार किया था, तरक्तुकुम अला महज्जतिन बैज़ा, लोगों मैं तुम्हें एक साफ मनहज वाले रास्ते के ऊपर छोड़ के जा रहा हूं, लैलुहा कनहारिहा, रात अगरचे तारीख होती है और दिन रोशन होता है, लेकिन जो तरीका, जो मनहज मैं तुम्हें दे के जा रहा हूं, इसकी रात भी दिन की तरह तारीख है, रोशन है। ला यज़िगु अन्हा बादी, इससे हटोगे, इससे इधर उधर जाओगे, इससे कजरवी इख्तियार करोगे तो फिर हलाकत तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। और मुसनद अहमद की एक हदीस में इरशाद फरमाया, वजुअ ज़िल्लतु वस्सगार अला मन खालफ अमरी, ज़िल्लत और हकारत किनका मुकद्दर बनेगी, जो मेरे हुक्मों, मेरे तरीकों की मुखालफत करेंगे, जलील होंगे, रुसवा होंगे, लोग ये काम करेंगे इज्जतें ढूंढने के लिए, अयब तगून इंदहुमुल इज्जा
فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت کے سارے خزانے تو میرے اللہ کے پاس ہیں. تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. عزتیں چاہتے ہو، بلندیاں چاہتے ہو، معاشروں میں بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یہ برادریوں، قبیلوں، رشتہ داروں، دوستوں کے پیچھے لگ کر اللہ کے نبی کی سنتوں کو، اللہ کے نبی کے طریقوں کو قدموں کے تلے روندنے کی بجائے سینے سے لگا لو، اپنے سر کا تاج بنا لو. واللہ عزتیں، رفعتیں، بلندیاں نصیب ہوں گی. تو کجروی کا اور ٹیڑے ہونے کا ایک سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت بھی ہے. صحیح مسلم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں لا اترک شیئن، کسی ایسی چیز کو نہیں چھوڑوں گا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے. اور آگے فرمایا وَإِنِّي أَخْشَى، اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر وہ کام جو اللہ کے نبی نے کیا ہے میں مداہنت کرتے ہوئے، کمپرومائز کرتے ہوئے اگر اس کو چھوڑ دوں گا ان عزیز، تو کیا ہو جاؤں گا؟ راہ راست سے ہٹ جاؤں گا، میں ٹیڑھا ہو جاؤں گا. تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ کا طریقہ چھوڑنے سے، آپ کی سنت کو ترک کرنے سے انسان صراط مستقیم پر قائم نہیں رہتا، ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اور ایک سبب شیطانی وسوسے اور خیالات، یہ بھی کبھی کبھی انسان کو راہ راست سے بھٹکا دیتے ہیں. ان کا بر وقت اگر تدارک نہ کیا جائے، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے، اللہ سے ڈرنے والے بندے، جب ان کے ذہنوں، دماغوں میں، ان کے دلوں میں کوئی شیطانی خیال اور وسوسہ آتا ہے فوراً خبردار ہو جاتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں، تذکروا، نصیحت پکڑ لیتے ہیں، بھئی شیطانی خیال ہے، اس کو ہم نے جھٹکنا ہے، اس کا تدارک کرنا ہے تعوذ کے ذریعے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے اس کا تدارک کرنا ہے. اس شیطانی وسوسے پر عمل نہ کر کے اس کا ہم نے تدارک کرنا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی احدکم الشیطان، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور دل میں ایسے ہی خامخواہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، من خلق کدا، من خلق کدا، فلان کو کس نے پیدا کیا، فلان کو کس نے پیدا کیا، وسوسے ڈالتا 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 کہاں پہ چلا جاتا ہے؟ من خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا. فإذا وجد ذلك احدكم، جب تم میں سے کوئی اس کیفیت کو پائے، یہ سوال اس کے ذہن میں پیدا ہو، فلینتہی، فوراً اس سے رک جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، ان خیالات کو جھٹکے، ان وسوسوں کا شکار اپنے آپ کو نہ ہونے دے ورنہ بھٹک جائے گا. تو شبہات، خواہشات، دنیا کی محبت، رسول اللہ کی سنت کو ترک کرنا اور پھر ان شیطانی وسوسوں کا شکار ہو جانا، یہ وہ بڑے بڑے اسباب ہیں جو انسان کو راہ راست سے کیا کرتے ہیں، بھٹکاتے ہیں اور دلوں میں کجی پیدا کرتے ہیں، زیغ پیدا کرتے ہیں، جو دوسری بیماری ہے دل کی.
और जब कजी आती है फिर अगला मरहला किसका आता है जी? तबा। तबा कहते हैं छाप को, किताबों में लिखा होता है ना ये मतबूआ, या फलां शख्स ने इसको तबा करवाया यानी छापा है, या फलां इदारे की ये मतबूआ है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना तदुदादुम हुदम वाताहुम तक्वाहुम, जो हिदायत के रास्ते पर चलते हैं अल्लाह उनकी हिदायत बढ़ा देता है और उन्हें तकवा अता फरमा देता है। और जो कजरवी का शिकार हो जाते हैं, हिदायत को छोड़ देते हैं, शुबहात के और शहवात के असीर हो जाते हैं, दुनिया की मोहब्बत उनके दिल में अपनी जगह बना जाती है, शैतानी वसवसों से छुटकारा वो नहीं पा सकते, रसूलुल्लाह की सुन्नतों को दुनिया के पीछे लग के छोड़ने वाले बन जाते हैं, उलाइकल्लज़ीन तबअ अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह इनके दिलों पर फिर छाप लगा देता है, छापा लग जाता है फिर, वत्तबअउ अहवाअहुम, और ये ख्वाहिशात के असीर हो जाते हैं। और फिर रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं, वकालु कुलूबुना फी अकिन्नतिम मिम्मा तदउना इलैही, हमारे दिल जो जी रुकावटों में है, हमारे दिल पर्दों में है, वकालु कुलूबुना गुल्फ, हमारे दिलों पे तो गुलाफ चढ़े हुए हैं, पर्दे चढ़े, गुलाफ चढ़ जाते हैं, हम तो नहीं समझते बात को। और आखिर में क्या होता है, अल्लाह फरमाते हैं सवाउन अलैहिम अअनदरतहुम अम लम तुनदिरहुम ला युमिनून, ए नबी अब आपका इनको डराना या ना डराना एक बराबर है, ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है, वअला समईहिम वअला अबसारहिम गिशावा वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। तो भाइयों इसलिए ये जो दिल की इस्लाह का मामला है और दिल को कजरवी और ज़ैग से बचाने की फ़िक्र है, ये बहुत ज़रूरी है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस पर बड़ी तवज्जो देते थे, बड़ा अहतमाम करते थे। बल्कि एक दफ़ा सहाबा ने आपसे सवाल किया, जी अब तो हम ईमान ले आए, इस्लाम हमने कबूल किया, हम आपके साथ चल रहे हैं, क्या अभी भी आपको हमारे बारे में कोई डर है, कोई खौफ है? तो फरमाया इन कुलूब बनी आदम बैन इस्बाइन मिन असाबिर रहमान, डर है मुझे। क्यों डर है? क्योंकि ये इंसानों के दिल रहमान की दो उंगलियों के दरमियान हैं, युकल्लिबुहा कैफ यशा, अल्लाह जिधर चाहता है उनको फेर देता है। मुझे तो डर उस वक्त तक है जब तक हम दुनिया से कलमे और ईमान वाली हालत में चले नहीं जाते, उस वक्त तक मुझे डर रहेगा। इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम, सही बुखारी की हदीस है, फैसले कौन से अमलों पे होने हैं जी? आखिरी आखिरी अमल पे फैसले होने हैं, आखिरी आखिरी अमल जो आपका होगा ना उस पे फैसले होने हैं। बुखारी की ही एक और हदीस है, नबी सल्लम फरमाते इन रजुल लयामलु बिअमल अहलिल जन्ना, बंदा अमल करता है जन्नतियों वाले, हत्ता मा यकूनहु मा यकूनु बैनहु व बैनल जन्नति इल्ला ज़िरा, बंदे और जन्नत के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला रह जाता है, यानी जन्नत के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, फयस्बिकु अलैहिल किताब, तकदीर गालिब आ जाती है, फयामलु बिअमल अहलिन नार, दिल पे पर्दे आ जाते हैं, दिल कजरवी का शिकार हो जाता है, दिलों पे मोहरें लग जाती हैं, दिल बीमार हो जाता है, हिदायत का रास्ता छोड़ जाता है, जहन्नमियों वाले अमल शुरू कर देता है, और फिर सारी ज़िंदगी वाली नेकियां बर्बाद करके जहन्नम में दाखिल हो जाता है। क्यों फरमाया लक़िनू मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मुर्दों को क़रीबुल मर्द अफराद को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। क्यों फरमाया मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल्जन्ना, क्योंकि इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम, फैसले किन पे होने हैं जी? आखिरी आखिरी अमलों। हर वक्त इंसान को फिक्र होनी चाहिए कि मैं
कौन से ट्रैक पे चल रहा हूं, किस रास्ते पर हूं मैं, ये रास्ता क्या जन्नत को जा रहा है, कहीं जहन्नम की तरफ तो नहीं जा रहा। और याद रखिएगा कि जन्नत का रास्ता इम्तिहानों और आजमाइशों का रास्ता है और जहन्नम का रास्ता आसाइशों का रास्ता है। हुफ्फतिल जन्नतु बिल मकारी व हुफ्फतिन नारु बिश्शहवात। नबी सल्लम फरमाते हैं जन्नत को अल्लाह तबारक व तआला ने नापसंदीदा चीज़ों से ढांप दिया है और जहन्नम का रास्ता बड़ा ही दिल फरेब, दिलकश और खूबसूरत बना दिया है, लेकिन मंजिल बड़ी खतरनाक है, मंजिल बड़ी खतरनाक है। वो जबरील का वाकया सुनाया था ना जी एक दफा आपको, कि अल्लाह ने जब जन्नत और जहन्नम बनाई तो जबरील से कहा जाओ देख के आओ, देख के वापस आए तो पूछा हाँ भाई जबरील मेरी मखलूक में से कोई जन्नत में जाना पसंद करेगा, और मैं अल्लाह तेरी सारी मखलूक जन्नत में ही जाएगी, जहन्नम में जाना तो कोई भी, जहन्नम में जाना कोई पसंद नहीं, नहीं जी कोई भी जहन्नम में जाना नहीं पसंद करे। फिर अल्लाह ने दोनों के रास्ते बनाए, जन्नत को जाने का रास्ता भी बनाया और जहन्नम को जाने का रास्ता भी, जबरील से कहा अब इन रास्तों पर चल के जाओ और फिर वापस आओ। जबरील दोनों रास्तों पर चल के गए और वापस आए, पूछा अब बताओ, फरमाया जन्नत में जाने वाले बहुत थोड़े होंगे, जहन्नम के मुकाबले में जन्नत में जाने वाले बहुत थोड़े होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहतरम भाइयों पांच दुआएं सिखाई हमें, हमें उन दुआओं का एहतमाम करते रहना चाहिए ताकि हम सिरात मुस्तकीम पर गामजन रहें। अक्सर मैं बयान करता रहता हूँ, एक तो यही कुरानी दुआ रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा। आज इसका तर्जमा और तफसीर भी आपने सुन लिया कि इसमें हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं अल्लाह हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर देना, अपनी रहमतों से हमें महरूम ना कर देना, तू बहुत देने वाला है, हमें अपने इनामात और अपनी रहमतें देते रहने अल्लाह। अल्लाहुम्मा मुसब्बित अल-क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, जामे तिर्मिज़ी की रवायत है, ऐ अल्लाह ऐ दिलों को जमाने वाले मेरे दिल को अपने दीन के ऊपर जमा के रखना, साबित कदमी अता फरमाना। तीसरी दुआ ये सही मुस्लिम की दुआ है, अल्लाहुम्मा मुसर्रिफ अल-क़ुलूब सर्रिफ क़ुलूबना अला ताअतिक, ऐ अल्लाह ऐ दिलों को फेरने वाले हमारे दिलों को अपनी इताअत और फरमानबरदारी की तरफ फेर देना। चौथी दुआ अल्लाहुम्मा वलियल इस्लाम व अहला सब्बितनी हत्ता अल-क़ाक, अल-मुअज्जमुल कबीर तबरानी की दुआ है सही सनद के साथ। अल्लाह के नबी अपने लिए दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह ऐ इस्लाम के वली, ऐ इस्लाम बनाने वाले हम तक पहुंचाने वाले सब्बितनी, मुझे इस इस्लाम पे साबित कदम रखना, हत्ता अल-क़ाक यहाँ तक कि मैं तुझे आ मिलूँ, मौत तक मुझे इस दीन के ऊपर साबित करना। और पाँचवीं दुआ जामे तिर्मिज़ी मुसनद अहमद और मौजमुल कबीर तबरानी की है, शद्दाद इब्न औस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या शद्दाद इब्न औस, ए शद्दाद बिन औस, इज़ा कनज़ अन्नासु अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, एक वक्त आएगा लोग सोने और चांदी के खजाने जमा करने के पीछे पड़ जाएंगे। कंज उस खजाने को कहते हैं जो बंदा इकट्ठा करता जाए लेकिन अल्लाह की राह में खर्च ना करे, ये कंज बन जाता है। इसी के बारे में कुरान में अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा वला युन्फ़िकूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौमा युहमा अलैहा फ़ी नार जहन्नम, ये जहन्नम की आग में गर्म करके तुकवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, ये इंसान के जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा को दागा जाएगा। ज़ूकू मा कनज़्तुम, यही कंज यही खजाना क़यामत के दिन मुस्सिल लहू शुजाअन अक्रा, एक बड़े अजदहा और सांप की शक्ल इख्तियार कर लेगा और इंसान का पीछा करेगा, अना मालू का अना कंजू का, मैं तेरा वो खजाना हूँ जिसे जोड़ जोड़ के रखता था, अब कहाँ भागता है, पकड़ लेगा।
तो लोग जब सोने चांदी के खजाने जमा कर रहे होंगे, ए शद्दाद बिन औस फकनज हाउलाइल कलिमात, मैं तुझे वसीयत करता हूँ तू इन कलिमात को बतौर ख़जाना अपने लिए जमा करना, ये तेरा आखरत का ख़जाना है। फिर आपने वो दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका सबात फिल अम्र वल अज़ीमत अला रुश्द, ए अल्लाह मैं तुझे इस मामले यानी दीन के मामले में तुझसे साबित कदमी का सवाल करता हूँ, वल अज़ीमत अला रुश्द जो हिदायत जो रुश्द तूने मुझे दी है उस पर मुझे पुख्तगी अता कर दे, उसमें मुझे पक्का कर दे, उसके लिए मेरे इरादे मजबूत और मुस्तहकम कर दे, ये मेरा ऐ अल्लाह तुझसे सवाल है। वा अस्अलुका शुक्रा नेमतिका वा हुस्ना इबादतिक, इसी दुआ का अगला मिसरा क्या है, अगला जुमला क्या है, अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता कर दे। वा हुस्ना इबादतिक, अपनी इबादत में हुसन पैदा करने की, तेरी इबादत में जो मैं तेरी बंदगी इबादत करता हूँ उसमें खूबसूरती एहसान पैदा करने की तौफीक अता फरमा दे, मुझे नमाजों में हुसन पैदा करने की तौफीक अता फरमा दे, खुशू के साथ नमाजें पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। और ये हुसन कैसे आता है, जब रसूलुल्लाह के तरीक़े की इत्तबा की जाए, जब पाँचों की पाँचों नमाजों को पढ़ा जाए। वअसअलुका, और मैं तुझसे सवाल करता हूँ, अलगनीमता मिन कुल बिर वसलामता मिन कुल इस्म, अल्लाह मुझसे मुझे हर नेकी से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमा दे और हर गुनाह से मुझे सलामती अता फरमा दे। वअसअलुका कल्बन सलीमा, और मैं तुझसे कल्बे सलीम का सवाल करता हूँ, वलिसानन सादिका सच बोलने वाली जुबान मुझे अता फरमा दे। ये कितनी प्यारी दुआओं वाले कलिमात अल्लाह के नबी ने अपने साहबी हजरत शद्दाद इब्ने औस को सिखाए और कहा ये तेरे लिए आखिरत का खजाना है, लोग दुनिया के खजाने जमा करेंगे तू ये आखिरत का खजाना जमा करना। वअसअलुका मिन खैर मा तअलमुहु, और मैं तुझसे हर उस खैर का सवाल करता हूँ जिसको तू जानता है, वह आऊज़ु बिका मिन शर्र मा तअलमुहु, और मैं तुझसे हर उस बुराई की पनाह में आता हूँ जिसे तू जानता है, और आखिर में फरमाया वह अस्तग़फिरुका लिमा तअलम, और वो सारे गुनाह वो सारी गलतियाँ जिनको तू जानता है अल्लाह मैं तेरे सामने उन सब गुनाहों से बख्शिश का सवाल करता हूँ, मग़फ़िरत का सवाल करता हूँ, इन्नका अंत अल्लामुल गुयूब, क्योंकि तू ही सारे पर्दों को सारे गैबों को जानने वाला तू है, तेरे सिवा कोई नहीं। तो ये पांच नबवी दुआएं और इनमें से जो आखिरी दुआ है बड़ी जामे दुआ है जिनको अल्लाह के नबी ने आखरत का बेहतरीन ख़जाना कहा है, तो इन दुआओं का अहतमाम करें और किताब व सुन्नत क़ुरान व हदीस उसके ऊपर हर वक्त चलने की कोशिश करें और इस बात की फ़िक्र करें कि मेरा मनहज मेरा रास्ता जन्नत की तरफ जाने वाला हो और मैं सिरात मुस्तकीम के ऊपर खड़ा हूँ और कहीं मेरा मनहज गलत ना हो मेरा रास्ता गलत ना हो, और अगर मैं रास्ते की खूबसूरती और दिलफरेबी में खो गया और मैंने मंजिल पे तवज्जो ना दी तो ऐसा ना हो कि मैं खूबसूरत राहों का मुसाफिर बनके जन्नत को अपने से दूर और जहन्नम को अपने कबीर करीब कर लूँ। अल्लाह हम सबको जन्नत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हर किस्म की बुराई और शर से महफूज फरमाए और जहन्नम के रास्तों से बचाए, किताब व सुन्नत के मुताबिक मसनून ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना
ان الحمد لله رب العالمين وقولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم.